नाज़रीन, ये नौजवान जो है इमरान खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। ये बर्मिंघम से तशरीफ़ लेकर आए हैं, एवन फील्ड नवाज शरीफ के घर के सामने अपना एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट। वो जिधर आए हो, क्या मकसद है आपके आने का? बस हमारा मकसद यही है कि हमारे शेर को जो है ना आज़ादी मिले और सब चोरों को जो है ना सज़ा मिलनी चाहिए जिन्होंने मुल्क को लूट कर रख दिया है। तो हम सब निकलेंगे, हम आवाम में, हम हमारी सारी आवाम निकली हुई है, बस यही चाहते हैं कि हमें जो है ना इंसाफ मिले, हमारे शेर को जो है ना बाहर निकाला जाए। तो अभी तक कोई पैगाम आया है कि इमरान खान साहब की जो सेहत कैसी है या वो किधर है? सब उन्होंने इंटरनेट बंद किए हुए हैं, सारा कुछ चोरों ने बंद किया हुआ है, कुछ भी हमें मालूम नहीं है क्या हो रहा है हमारे शेर के साथ। तो हमें प्लीज़ हमें कुछ ना कुछ पता बताएं कि हमारे शेर कैसे हैं। कुछ कहते हैं कि अवरसील पाकिस्तानी काफ़ी परेशान है, यूके में जो वो कह रहे हैं ब्रिटिश पाकिस्तानी के इमरान खान की कोई ना कोई खबर जो है सोशल मीडिया बहुत आनी चाहिए, बहुत जरूर आनी चाहिए। ये हमारे भाई आए, भाई साहब आए हैं बहुत ही। भाई साहब आप क्या कहना चाहते हैं और आपके आने का इधर एवन फील्ड क्या मकसद है? हमारा मकसद तो खान साहब की रही है और ऑब्वियसली मुल्क के लिए वही है कि लीडर है जो हमारे मुल्क को बचा सकते हैं, तो हम सब उनके साथ हैं, इंशाल्लाह उनको छुड़ा कर रहेंगे। जब तक वो नहीं छोड़ते हम यहाँ से नहीं जाएंगे और ना ही पाकिस्तान वाले छोड़ेंगे उनको। अच्छा, तो हम जो तो भी कर सकते हैं। आप ये क्या बताएं कि ये जो इमरान खान को जैसे ही गिरफ्तार किया और उनके वर्कर कारकुन उनको सबको जो है उनके ऊपर छापे मार रहे हैं पाकिस्तान, ये क्या सिस्टम हो रहा है, ये क्या माजरा है और क्या ये प्रोपेगंडा हो रहा है? ये तो इनकी साजिश है जी, जुर्म कर रहे हैं बंदों के साथ। एक्चुअली फौज के साथ बंदा क्या कर सकता है, जितना भी कर सकते हैं लोग कर रहे हैं। कई लोगों ने तो जान के नजराने भी पेश कर दिए होंगे। तो फौज को चाहिए कि अपने मुल्क को बचाएं, इन चोरों का साथ ना दें। उनका ऐसा हमारे शेर को उठाया जैसे पाकिस्तानी जो है काफी अपसेट है। ये लोगों के चेहरे आप देख ले, ये काफ़ी लोग गुस्से में हैं और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो पाकिस्तान वालों को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? काफ़ी तबाही हो रही है पाकिस्तान। हम कहते हैं डटे रहो, बस डटे रहें और पुरअमन एहतजाज करें और खान साहब को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम सब, आप भी करें। और नुकसान मुल्क का करने का फ़ायदा नहीं है यूके वाले आपके साथ, लेकिन ये लोगों का गुस्सा फौज पे है ज़्यादा, क्योंकि जो उन्होंने किया है वो गलत बात है। जी, जब फौज ये अपने मुल्क के जिस पे हम इतनी रिस्पेक्ट करते थे उनको देकर सलाम किया करते थे, आप वही खराब निकले। तो ये तो खान साहब ने हमारी आंखें खोली, वरना हम तो अरसे से फौज की इज्जत कर रहे थे बस सब कुछ कि जो है फौज ही है। लेकिन अब बड़ा अफसोस हो रहा है हमें। हाँ, उन्होंने गोली मारी है और भी कई जगहों पे हुआ है, अभी तो वो इंटरनेट नहीं उधर चल रहा, खबरें आई कि आस्ता आस्ता बात ऐसे विंडे तोड़ कर निकाला है कोई, ये ऐसा तो बड़ा बड़ी बात नहीं थी। खान साहब हमें बहुत उसका अफसोस है, बहुत दुख है इस बात का कि फौजियों ने जो किया है बहुत गलत किया है। तो हम जैसे कि उनके लोयर ने बताया है, वकील ने बताया जो कि उनका पर्सनल वकील है, वो कह रहा था कि इमरान खान को टॉर्चर किया गया है और उनको खाना वाना भी और अच्छा है, उनको कोई पूछा खींचा के नहीं है और रात को सोने भी नहीं दिया गया। ये मैंने ये तो खान साहब को शायद मारना ही चाहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बचाने वाला है, अल्लाह उनकी मदद करे और हम हमारी दुआएं उनके साथ हैं। अब यहाँ से तो हम दुआई कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आप काफ़ी दूर से लोग आए हैं और अपना कीमती टाइम बर्मिंघम से आए हैं। तो नाज़रीन, 4 आवर 5 आवर की ड्राइव करके ये लोग उधर से आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्डिंग करने रुकाने के लिए और एहतजाज करने के लिए। और एवन फील्ड ये मौजूद हैं और काफ़ी इन्होंने नारे भी लगाए हैं और ये पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। कार्ड भी लै जाओ, कार्ड लै जाओ।